लोग देखो ऐसे पार कर रहे भाई पैदल। चार पांच दिन हो गया हमें भाई साहब यहाँ, ना आगे का रास्ता खुल रहा है ना पीछे का रास्ता खुल रहा है। एक तो हटेगा भाई SDM में, पता ना क्या नशे में रहा है भाई। 8 तारीख ने हमने जो है परमिशन ली थी और 8 तारीख होगी 15 अभी तक जो अभी क्लास नहीं खुल लिया। हाँ ये पुराने कैदी है जो छूट गए, जो कैदी आते हैं चावल चूड़े के कट्टे ये डेली भाई ये सुन रहे हैं, आज खुलेगा कल खुलेगा शाम तो खुल जाएगा। सबसे खतरनाक पार्ट है भाई साहब ये, लेकिन इन्होंने जो है ना रोड चौड़ा करने के चक्कर में ब्लास्टिंग कर दी, ब्लास्टिंग से भाई साहब ये देखो तो वो कह रहे थे 66 लाख रुपए। सभी को भाई आज 14 मई 2023 और सुना रखा जी 10:05 और फिलहाल अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में जी सादे पराठे, ये सब्जी टाइप है कुछ सब्जी है पता नहीं कौन सी भाई, और इधर है जी ये अचार। और बाकी भाई अभी नाश्ता पानी करते हैं फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं भाई, रास्ते का रास्ते की क्या प्रोग्रेस है और देखते भाई आसपास आपको घुमाते हैं और काफ़ी बंदों से भी मिलवाना है भाई। और जैसे हम सब बात करो तो काफ़ी ये अपने बिहार से बंदे आए हुए हैं, बिहार से जयपुर से, उनसे भी मिलवाते हैं आपसे आपको। तो फिलहाल अभी नाश्ता पानी करते हैं फिर मिलते हैं जी आपसे। तो जी फिलहाल टाइम हो गया है 12:23। देखो भाई फंसे हुए हैं, लैंडस्लाइड हो रखी है तो कहीं जाने के हैं नहीं, वह आसपास में जो भी कुछ है वही एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अभी फिलहाल जो है ना हमारा नहाने का प्रोग्राम बन गया, पीछे झरना है तो भाई देखो रुके हुए हैं, कुछ तो करें अपना नहा धो लेते हैं भाई। ये देखो जी अपनी बाइक यहाँ पर आ गई है, सामान वगैरह यहाँ रख दिया हमने, ये अपनी बाइक, पीछे झरना। और अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले हमने जो है अपने घर वालों से बात करी थी ITBP के थ्रू, ITBP में गए थे अभी मैं गया था तो सबके घर वालों से बात हो गई है। और अभी फिलहाल नहाने का प्रोग्राम बन गया, अभी यार ये धूप चली गई भाई अभी अभी जस्ट गई है, नहीं तो पहले बढ़िया धूप थी। कोई नहीं काफ़ी दिन हो गए भाई नहाए भी, क्योंकि आगे था नहीं भाई आई, इतना ठंडा पानी है आगे तो क्या हालत होगी भाई। तो अभी फिलहाल चलो नहाते हैं फिर मिलते हैं आपसे और फिर आगे की आपको अपडेट देते हैं, ठीक है जी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो भाई अभी समय हो गया है 2:15 का और अभी आपने देखा भाई पीछे नार हो के आए हम झरने वगैरह, और भाई साहब नाक जो है ना सफ़ेद सफ़ेद हो गई थी, अब तो चलो ठीक है वैसलीन वगैरह लगा ली हमने। और अभी हम जो है ना आग जाने की तैयारी कर रहे हैं और उस साइड जो है ना ये देखो जी इस साइड मौसम ख़राब हो चुका है, कल जैसे बारिश आई थी ना ऐसा ही मौसम हो रखा है, पीछे का साफ है और इस साइड का जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है ना वहीं पे मौसम खराब हो रखा है। और मैं आपको 3-4 बंदों से मिलवा देता हूँ, 4 भाई मिले हमें यहाँ पे, जय बोलेगी। तो ये तो सर है जयपुर से, आप भी? नहीं हम हैं गया से, ये तीनों गया से, मैं जयपुर से गया बिहार। अच्छा नहीं जैसे सर ने बताया आप 20 साल मतलब जयपुर से जयपुर में रह रहे हैं, वैसे तीनों गया से हैं सर जो है जयपुर से प्रॉपर। मैं जयपुर से प्रॉपर। तो आपका इंट्रोडक्शन सर? सर मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मैं जयपुर में रहता हूँ, 14 नंबर ट्रांसपोर्ट का काम है। अच्छा जी, 2 बच्चे हैं, वाइफ है, मम्मी पापा सब ठीक साथ रहते हैं जी। आप सर? मैं गया से हूँ और मैं मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक हूँ, लेकिन भोले की मर्जी और हमारे संजय भैया के प्रेरणा से यहाँ तक आया, बहुत अच्छा लगा। ओम पर्वत में भगवान शिव ने अपना सारा रूप हम लोग को दिखाया है। जय भोले की जय बोले। अपना इंट्रोडक्शन सर थोड़ा सा। मैं संजय सिंह, हाँ जी, गया बिहार से, हाँ जी, रहने वाला हूँ। मैं भोले बाबा की प्रेरणा से यहाँ आया और उनकी आराधना की और उनका दिव्य दर्शन हम लोगों ने किया ओम पर्वत पे, जो हर रूप में आए। हालांकि कैलाश पर्वत के दरवाजा नहीं खुला हम लोगों के लिए, बहुत निराश होकर हम लोग
अब वापस जा रहे हैं। आज 3 दिन इंतजार करने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं और भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि फिर भी बुलाएं और अपना दर्शन दे। सर सर मैं राजू कुमार सिंह गैग रहने वाला हूँ। मैं आज 20 साल से जयपुर रहता हूँ। ठीक। और मेरा फैक्ट्री है सेरोटेप की। और मैं बहुत तमन्ना था मेरे मन में कि हम मानसरोवर भी जाए। हाँ जी। लेकिन वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, तो आदि क्रास चले। जी जी जी। दर्शन आदि क्रास भी नहीं हुए। हाँ। ओम प्रभु दर्शन किए, उससे बहुत अच्छा लगे। हर रूप में दर्शन किए। जय बोले। जय बोले। कल जो है ना इन सबसे काफ़ी बातचीत हुई, आज सुबह भी हुई थी, तो भाई आज जो है इनसे इंट्रोडक्शन करवा दिया आप सभी का। बाकी अभी फिलहाल देखते हैं भाई क्या प्रोग्राम बनता है, वो आपको अपडेट देते रहेंगे हम। रोजी क्या प्रोग्राम है भैया बताओ? अभी बस रास्ता खुला, चल पड़े चल पड़े। तो भाई बाकी देखो कह तो रहे कि आज रास्ता खुल जाएगा शाम तक, मतलब 5-6 बजे तक, देखते भाई क्या रहता है। और चलो आपको बाद में अपडेट देते हैं। तो भाई देखो हम थे चलने के मूड में और फिर उसके बाद आ गई जी बारिश, और ये देखो जी अब हवा कितनी जोर से चल रही है। यहाँ अंदर बैठे हुए हैं जी हम। कल हमने जो ना यहीं पे स्टे लिया था फूड वगैरह, और अभी मौसम कुछ ऐसा है और उस साइड देखो ये देखो जी इस साइड का मौसम। भाई देखो इसका रुकने का ही वेट कर रहे हैं, उसके बाद तो पड़े भैया मत भीड़ है। तो भाई अभी टाइम हो गया है 6:12 और मौसम जो है ना खुल चुका है पूरा। बाकी अभी जो भी यहाँ से बंदे आ रहे हैं, वहाँ से बंदे आए थे, उनसे पूछा था हमने कि भाई क्या अभी पोजीशन है वहाँ की, पोजीशन क्या है वहाँ की। तो अभी कह रहे हैं कि भाई पैदल का रास्ता तो हो गया है, लेकिन कल तक जो है बाइकों का रास्ता हो जाएगा, अपनी बाइक निकल जाएंगी, हो सकता है जो छोटी गाड़ी है वो भी निकल जाए। तो अभी फ़िलहाल का ये मौसम है भाई, और ये देखो ऊपर जो है ना ये आपको बर्फ़ दिख रही होगी, तो ये तो पहले भी पड़ी हुई थी, अभी ये जो ना यहाँ पे पड़ी है। और वहाँ देखो ये भी पहाड़ भी साफ़ हो चुका था, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण फिर से यहाँ पे बर्फ़ पड़ गई है। अभी जो है ना भाई साहब वैसे भी ठंडा हो चुका है मौसम, पूरे पैक है अभी भी हम। और यहाँ पे जो है ना कुछ भाई लोग बैठे हैं, तो सर बताना ये क्या बना रहे हो सर आप अभी? अच्छा इसमें क्या क्या मिक्स कर रखा है? चावल डाला है, आटा डाला है, थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा नमक डालोगे। अच्छा पहले इसी खाते थे हम, यहाँ गाड़ी चावल नहीं मिलता, गाड़ी नहीं था, आजकल गाय को खिला रहे हैं इसी चावल, पहले हमको ही नहीं मिलता था इसी खाना दरिया सा। हाँ इसी थोड़ा चावल डाला, थोड़ा आटा डाला, चावल हाँ बस इसी खाते थे। तो भाई ये अपनी जो है ना बाइकों का भी हाल हो रखा है, देखो बारिश वारिश हुई थी, सारा सामान पैक कर रखा भाई साहब, ऊपर से पन्नी उन्नी मार रखी सभी बाइकों पे, भेड़ आ गई सारी भेड़ आ गई हम भाई। तो भाई ये कितने ऊपर तक चढ़ जाए, ये जो आपको भेड़ दिख रही है ये पहले ना भाई साहब वहाँ पे जा रखी थी, यहाँ पे यहाँ थी ये सारी पूरे इस इलाके में फैली हुई थी ये, और अभी फिलहाल ये नीचे आ चुकी है। 600 भेड़ है भाई साहब ये, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से, ये सारा जो है ना ये सारी जो सफ़ेद 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 आपको दिख रही होगी सफ़ेद काली। तो भाई अभी फ़िलहाल का यही सीन है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना ये धारतुला से जो आपका ओम पर्वत और आदि क्लास है इसके बीच में, जैसे आपको ये इस टाइप का जो स्टे दिखता ना ये सबसे लोवेस्ट स्टे आपके लिए, सबसे लोवेस्ट है। नहीं तो अगर आप होम स्टे वगैरह जाओगे तो कम से कम धारतुला से आगे आपको 1000 रुपये और उसके बाद 1500, ये फिक्स है भाई रेट पर पर्सन फिक्स है। अगर आप ऐसी जगह पर रुकते हो तो यहाँ पे आपको जो ना 300 से लेके 400 तक का आपको मिल जाएगा, जिसमें कि डिनर स्टे भी होता है। तो ठंड कैसी महसूस कर रहे हो आप? ठंड अच्छी है, ठंड अच्छी है बिल्कुल। और जब बारिश हो रही थी, अरे यार जब तो भाई भाई साहब बहुत बुरा हाल हो गया था जब तो। बाकी अभी तो फिलहाल मौसम खुल गया भाई साफ है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ मैं, यहाँ ये जो पहाड़ देख रहे हो ना आप, ये तो इसका आगे से एक रास्ता है, ये ऊपर जाके भाई साहब खाली मैदान है, एक मैदान टाइप बना रखा है, तो वहाँ पे जो है ना लोग भी रहते हैं वहाँ पे, जैसे ये वो लगा रखे ना टीन वीन, तो ऐसे ऊपर भी लोग रहते हैं। तो वहाँ पे कोई चीज़ है क्या नाम था उसको, कीड़ा कीड़ा काट कीड़ा
कीड़ा जड़ी एक छोटी सी वो चीज़ होती है, वो जब होती है जब भाई जैसे बर्फ़ पड़ गई तो बर्फ़ हटने के बाद वो ना ज़मीन में से इतनी सी निकलती है वो ऊपर, तो उसकी ना हर किसी को पहचान नहीं होती, और वो उसकी इंटरनेशनल कीमत जो है ना वो ये मान के चलो आप, जैसे यहाँ पे हमने बात करी ना तो वो कह रहे थे 66 लाख रुपये पर किलो है, 66 लाख रुपये पर किलो, और अगर आप लोकल में ऐसे मिलो जैसे ढूंढोगे तो आपको ये 600-700 ऐसे में मिल जाएगी, अलग अलग रेट है भाई उसको अभी पूरी जानकारी नहीं है हमें, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो हमने आपको बता दी है। बाकी तो एक आध फूल जाओ तो हम दरसुल्ला फूल जाए फिर भाई आगे का रूट बनाओगे जैसे अपडेट होगा बता देंगे जी। हाँ चलो ठीक है जी, आज भी हम यहीं हैं, यहीं स्टे करेंगे हम, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अंदर कहाँ पे रुके हैं हम। ये भाई एक छोटा सा ढाबा है, और कल जो ना हम यहाँ पे स्टे करा था भाई हमने, यहाँ पे हम चार दो बंदे और थे छह, तो ये बना रखा भाई ऐसे साइड में से टीन लगा रखी, बीच में से ये लकड़ी वगैरह है, ये इस टाइप का भाई कुछ, और यहाँ पे जो ना दारचूला से आके आपका ओमपर वस्त और आदि क्लास, इसके बीच में आपको मतलब लाइट की सुविधा है ही नहीं, सारा जो है ना सोलर सिस्टम है, तो साथ ये लगा लो कि 6 बजे के बाद जो है ना 6 से 10 बजे तक यहाँ पे जनरेटर चलता है उस, ये यही टाइम है 6 से 10 बजे, बाकी आपको पूरे दिन भर लाइट नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो भाई अपना सारा समाधान करके आना, पावर बैंक वगैरह सब कुछ जो भी कुछ है इस टाइप का जो है ना आपको ये मिलेगा, टॉयलेट वगैरह इस टाइप का बस। ठीक है जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी सभी को। तो भाई आज हो चुकी है 15 मई 2023 और 12 बज चुके हैं पूरे दोपहर के, ये सामने जो है अभी भी लगे हुए हैं, चल आगे आगे चल, थोड़ा आगे तक घूम के आते भाई, लोग देखो ऐसे पार कर रहे हैं भाई पैदल, वहाँ तक दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं और यहाँ पे दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं, पीछे गाड़ी है। देखते हुए क्या कहना चाहोगे आप? भाई मंजर को देखते हुए बस भीतरला कप है भाई, अगर फिर आऊंगे और देखूंगा। आओगे तो जब ना जब हटते जाओगे, चलो जा भी गए वो है तो 4-5 दिन हो गए हमें भाई साहब यहाँ, ना आगे का रास्ता खुल रहा है ना पीछे का रास्ता खुल रहा है, इनसे पूछो कह रहे कि आज खुल जाएगा कल खुल जाएगा आज खुल जाएगा कल खुल जाएगा, ये चल रहा है इनका। हाँ एक तो हटेगा भाई SDM इन भाई, पता ना क्या नशे में रहा है भाई, परमिशन नहीं देनी चाहिए थी इसको, ना आदि कलास का रास्ता खुला अभी तक, और अभी है 4-5 दिन इसमें हो गए, तो भाई ना तो SDM को परमिशन देनी चाहिए थी। 8 तारीख ने हमने जो है परमिशन ली थी। हाँ और आज तारीख होगी 15 अभी तक जो आदि कलास नहीं खुल लिया। हाँ SDM बावली बूथ से अनपढ़ है, उसको तत्काल हटा देना चाहिए इस पद से, लोगों को गुमराह कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हाँ भाई ये वो ये नहीं सोच रहा ना कि भाई जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं भाई वो कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, एक एक दिन का खर्चा कैसे निकालते हैं, बस बहुत गलत बात है। अरे देखो पब्लिक कितनी इकट्ठी हो रही है, कितने आदमी परेशान हो रहे हैं, चार भाई का हम है भाई, 4-5 और हैं, ये भी बंदे बैठे हुए भाई हमारे साथ ही है, पूरा दिखा देंगे भाई। ये भाई कौन सी आपकी है? ये है भाई इस भाई की ये गाड़ी जो कि आपको धारचूला से
कैलाश कैलाश और ओम पर्वत हर जगह घुमाएगी। ये नंबर है भाई का, भाई का नाम चरण सिंह। चरण सिंह आप धारतुला से ही हो? मुंशियारी से। ठीक है, भाई का अभी आपको ये नंबर भी विजिट करना है किसी का तो सर रेट वगैरह बता दो, क्या रेट है धारतुला? 25,000 का। अभी 25,000 का मतलब ओम पर्वत और आदि कैलाश का। चलो ठीक है भाई, हम भी यहाँ फंसे हुए हैं, भाई भी यही हैं, तो भाई से ही बातचीत हो रही है। ठीक ठीक ठीक, भाई से भी चैनल सब्सक्राइब करवा दिया है। ठीक तो भाई आज है 16 मई 2023 और 11:30 का टाइम हो चुका है भाई। 3 से 4 दिन ये लगा लो भाई ऐसे जेल काट रहे भाई साहब, जेल में बैठे हुए ऐसा महसूस हो रहा है। बताओ गुरु जी, ऐसे नहीं लगा तो मतलब कैदी बैठे हो? ये पुराने कैदी हैं जो छूट गए, पुराने जो कैदी यहाँ पे रह के जा चुके हैं ना, उन्होंने दान कर दिए भाई यहाँ पे, ये उनके चावल चूड़े के कट्टे, ये आटा उटा रखा भाई यार, तेल वेल सरसों का तेल। और भाई उसमें भाई मैगी वैगी बिस्कुट बिस्कुट होंगे और स्लीपिंग बैग है भाई ऊपर, और ये हमारे जूते हैं जी, अभी हो सकता है ये इस रैक में लग जाए, हो सकता है 1-2 दिन में अभी छोड़ दे भाई। तो भाई ये देखो भाई सब, देखो पूरा आरामदायक ऐसे कह नहीं सकते भाई, आपकी कोई कमी छोड़ेंगे गद्दे वद्दे भाई सब, 1, 2, 3, 4 जितने मर्जी, रजाई है देखो भाई, अलग अलग टाइप की रजाई है ना, बाहर लगड़न दे ना, बाहर लगड़न रोशनी दे सिर्फ एक आड़ा हो रहा, और कुछ टाइम के लिए भाई ये बल्ब है, ये कुछ टाइम के लिए जलता है बस, इधर बैठे रहो इतना बैठे रहो, और बाहर वो देखो वो खिड़की दे रखी है, जिसका जिसका भाई मन नहीं लग रहा, जिसका जी नहीं लग रहा है यहाँ पे, वहाँ यहाँ से कूद सकता सीधा डायरेक्ट नदी में। ठीक है जी, आपकी अस्थियाँ अस्थियाँ सब कुछ एक प्रवाहित हो जाएंगे एक बार में, कोई मतलब ऐसे नहीं। और बिल्कुल भाई सब नया बना रखे, ये देखो सफेदी भी नहीं करवा रखी भाई दीवारों पे, बिल्कुल चिनाई एकदम नई है, और पट्टी उट्टी भाई सब पता नहीं कब करवाएंगे, बोल के जाएंगे हम इनको, इनको पट्टी उट्टी करवा दे भाई, और कोई आए तो ठीक है। और गुरु जी, और गुरु जी के हमारे पे ले पट्टियाँ पीछे कर रहे भाई टाइम पास ऐसे, 16, 3-4 दिन हो गया है, 3 बजने का वेट करते हैं रोज। हाँ रोज ये मतलब रोज यही सुन रहे भाई, आज खुलेगा कल खुलेगा, जिस दिन जट्टा दिमाग खराब होगा ना तो उससे दिन देख लो भाई, चंदन करे नहीं आने जड़ में धर रहे भाई घसवा देखे डेली भाई यही सुन रहे हैं, आज खुलेगा कल खुलेगा, शाम तो खुल जाएगा, दोपहर को खुलेगा, शाम को खुलेगा, और कल इन्होंने और कुछ कर दिया भाई, वो और पहाड़ आ गया नीचे। चलो ठीक है भाई, जब भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगी भाई। 3 से 4 दिन हो चुके हैं, और विशाल भाई मजा आ रहा है, तो नीचे अपने पांव धो के आई गया ठंडे पानी में, आधा नहा लिया। चलो भाई ठीक है, अभी खाना बनवा दिया, कैदियों का खाना आने वाला है, चलो ठीक है जी, और कुछ होता आपको बताते रहेंगे। तो भाई फिलहाल अभी पूरे 6 बज चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं जी नीचे की अपडेट लेने, और ये देखो भाई साहब यहाँ भाई साहब पूरा धुआं ठा रखा है इन गर्ग कंपनी वालों ने, ये पीछे है गुरुजी विशाल भाई है, ये देखो भाई साहब धुआं उस साइड जो है धूप निकली हुई है ऊपर ऊपर, अभी जो है यहाँ पे बारिश वारिश हुई थी हल्की फुल्की होके रहेगी, और भाई फिलहाल अभी ऐसा रास्ता ये सारा गर्ग कंपनी वालों की है, सारी मशीन जितनी भी हैं ये सारा एरिया यहीं पे है, ये अभी देखने जा रहे जी क्या अपडेट है, फिर आपको बताते हैं। देखो भाई ऐसी बात है, हम जो है ना हमें ये लगा लो 4-5 दिन हो गए ये सुनते सुनते कि भाई लैंडस्लाइड हो रही है, अब तो भाई जैसे ही इन पहाड़ों के पास आते हैं ना ऐसा लगता है भाई कभी ये गिर ना जाए हमारे ऊपर ही, मतलब तो इतना खौफ बैठ गया है,
कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये रास्ता देखो भाई खतरनाक है, ये पहाड़ भाई सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। ये देखो छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर कभी भी किसी भी टाइम भी नीचे आ सकते हैं। ये देखो सबसे खतरनाक पहाड़ है भाई साहब, ये आगे जो पत्थर निकले हुए ना, ऐसा लगता भाई कभी भी नीचे आ सकते हैं। ये वाला जो पैच है ना भाई साहब पहाड़ इतना खतरनाक। तो भाई उस पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, ये सामने ही है। ये वाला पहाड़ देखो भाई, ये देखो ये वाला भी खतरनाक है, मतलब ऐसे चोच निकली हुई भाई साहब इनकी। अभी आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। अभी जैसे दूर से देखने में तो लग रहा भाई कि रास्ता है, बाइक वाले आराम से निकल सकते हैं। ये सामने जो है ना, ये बताया कि कल और आया है ये शाम को, थोड़ा सा और आगे चलते हैं दिखाते हैं भाई। मैं शायद जो है ना पिछली बार यहाँ तक आया था ना, यहाँ पे मशीन लगी हुई थी यार, पार कर रहे थे यहाँ से। भाई साहब ऊपर देखो ये सारा खाली हो चुका है, ये देखो यहाँ पे भी दरारें आ रखी है, जो ब्लास्टिंग से है ना भाई साहब काफ़ी नुकसान होता है भाई, आसपास के पहाड़ जो है ना, आसपास का एरिया काफ़ी नुकसान होता है उससे। हम जब आए थे यहाँ से तो भाई बिल्कुल एकदम सही रास्ता था, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से बाइक आई थी, अच्छा चौड़ा रोड था। लेकिन इन्होंने जो है ना रोड चौड़ा करने के चक्कर में ब्लास्टिंग कर दी, ब्लास्टिंग से भाई साहब ये देखो ये वाला भी और आया ना। अगर यहाँ पे देखो, ये देखो ये लाइन सी बनी हुई है, ऐसा लग रहा है ये अलग से, मतलब ऊपर वाला अलग है पहाड़, ये कभी भी नीचे आ सकता है। और वो देखो भाई साहब कितना मलबा नीचे जो है, ये देखो तो भाई अभी मैं जो है ना आगे गया था देखने के लिए, तो भाई रास्ता प्रॉपर जो है ना, मतलब इतना रास्ता है कि भाई बाइक आराम से निकल जाए। अगर ये क्रेन व्रेन से जेसीबी से मलबा जो ना साइड में गिर दे तो भाई बाइक आराम से निकल जाए। तो भाई हफ्ता हो गया हमें, और इस सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई कल भी नहीं खोलेंगे, ये कल भी मुश्किल है भाई खोल लेंगे। ये क्या करें, उसने कौन सी कहावत है वो, पहाड़ खानना है करें, ऐसा हो रखा भाई साहब। मतलब एक जगह इतने दिन रुक गया ना, मैं ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से बाहर निकल जाए कैसे भी करके, मतलब वो सिचुएशन हो चुकी है अब। और बाइक वगैरह हमने यहीं लगा दी थी पहले, और ये जो भाई 5:30 बजे के बाद काम बंद, और कह रहे भाई कल भी ब्लास्टिंग करेंगे, बाकी देखेंगे कल भाई, और बातचीत करके भाई थोड़ा हो जाए। अभी यहाँ आगे चलते हैं, सही देखते हैं बातचीत करके क्या सिचुएशन है, कल क्या प्रोग्रेस रहेगी, वही बात करते हैं, वो आपको बताते हैं फिर। बाकी भाई मौसम हो गया है बारिश का दोबारा से, ये देखो ऊपर ये भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लेंटर गियर रखा हो, है गुरुजी ऐसा नहीं लग रहा है पहाड़ी हो नुका लेंटर गियर रखा हो किसी ने, है कमाल। बिना उसके क्या क्या है, फरमे रहे ना, बिना फरमे के ऊपर पेड़ा भाई, ये देखो पानी मिल रहा है। और लोग बाग जो भाई यहाँ से जो है ऊपर चढ़ के इस पहाड़ को पार करके आगे निकलते भाई, ट्राई करें ऊपर चढ़ने की। अब तो शाम होगी, दिन में आते ना, दिन में ट्राई करते भाई, फिर चलो देखते भाई क्या होता है, क्या कुछ नहीं आपको बताते हैं।